चंडीगढ़ में तेज रफ्तार की वजह से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 9 और 19 के लाइट पॉइंट का है, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार और एक रिसेंट कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। वहीं एसेंट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि फॉर्च्यूनर कार बीच सड़क पर ही पलट गई। बता दें कि मृतक की पहचान सेक्टर 17 निवासी 37 साल के अतुल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 27 के रहने वाले विवेक अपने बेटे अर्जुन की तबीयत बिगड़ने पर एसेंट कार में अरुण और अतुल के साथ सेक्टर 16 में आ रहे थे। जब सेक्टर 9 और 19 के लाइट पॉइंट पर पहुंचे तो सेक्टर 8 से 18 की तरफ जा रही फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी। इससे कार की पिछली सीट पर बैठे अतुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को चोटें आई। वहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी शहर में तेज रफ्तार से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी तेज रफ्तार ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन फिर लोग जल्दबाजी करते हुए इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं, साथ ही दूसरों की जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।